हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फाइनली आज काफ़ी दिनों बाद मतलब कॉलेज आना हुआ है और काफ़ी मतलब लंबा टाइम आप कह सकते हैं पिछले लॉकडाउन के बाद अब जाके कॉलेज आ पाए हैं, क्योंकि कॉलेज जब खुले ही नहीं थे तो हम आके क्या करते हैं। और दोस्तों अभी भी कॉलेज जो है वो पूरा खाली है, पड़ा हुआ है, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ थर्ड ईयर वालों को अलाउ किया गया है, बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले हैं वो तो आ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मतलब पूरा ग्राउंड, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स जो भी है वो सब के सब मतलब खाली पड़े हुए हैं। जहाँ पे बच्चे खचाखच भरे रहते थे, भीड़ रहता था, सब पूरा जो है वो खाली पड़ा हुआ है। और मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे हम मतलब सेकेंड ईयर से अब लास्ट ईयर में आ गए हैं और लास्ट सेमेस्टर हमारा चल रहा है। तो दोस्तों बस चलिए देखते हैं आज का दिन पूरा कैसा जाता है। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं और दोस्तों आपको मेरे आगे कुछ लोग दिख रहे होंगे लाइन में। तो दोस्तों ये कोरोना का बाद अब एक नया सिस्टम चालू हो गया है हर मेट्रो स्टेशन पे कि आपको सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करना होगा, टेम्परेचर चेक करवाना होगा, बैग सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद ही हम मेट्रो में एंट्री कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं और चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन आया है। फर्स्ट डे है तो कौन से टीचर आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आए हैं अभी तो कुछ पता भी नहीं है, अभी मैं ही आया हूं। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरा खाली है, तो चलिए देखते हैं कितने फ्रेंड्स आए हैं, नहीं आए हैं। फ्रेंड्स अभी मेरे पास कुछ बुक्स हैं तो वो वापस करने हैं लाइब्रेरी में, तो मैं अभी लाइब्रेरी जा रहा हूँ। चलिए अब आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं कि लाइब्रेरी का क्या हाल है अभी।
कौन सा बुक ले रहे हो? देख रहे हैं भाई बुक, सोच रहे हैं कुछ ऑग्नोमेट्रिक वगैरह पढ़ लें तो। अच्छा, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? नहीं यार, पढ़ना तो पड़ेगा फाइनल ईयर में जब आप। बढ़िया भाई बढ़िया। ये दोनों भी बुक ले रहे हैं क्या प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ वो दौड़ रहे हैं। चलो मैं भी ले ही लेता हूँ एक। आप भी ले ही लीजिए। अब प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होने वाला है तो मैं अब प्रैक्टिकल के लिए जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिकल कैसा जाता है। काफ़ी दिनों बाद प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। खैर इसमें तो आज हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरे लैब में है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। बाकी फ्रेंड्स अभी वहीं पर हैं। साइलेंस प्लीज। ये तो गंदा है। अरे यार चाहिए था। इस जूस कॉर्नर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा बंद पड़ा है। चॉकलेट कॉर्नर भी और कुछ ऐसा ही हाल और नज़ारा इधर कैंटीन का है। कैंटीन भी बंद ही पड़ा है क्योंकि जब स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे तो कैंटीन खुल करेगा क्या। तो यहाँ पे कैंटीन भी आप देख सकते हैं कि पूरा बंद पड़ा है। कुछ स्टूडेंट्स उधर आपको दिख रहे होंगे, वो भी थर्ड ईयर के ही हैं। बाकी आप ये देख लीजिए पूरा सब कुछ बंद पड़ा है। तो कॉलेज में आज कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो, लगभग सभी चीज़ क्लोज ही है। वैसे लाइब्रेरी तो खुली हुई थी, बुक वापस किए हैं, बट जो जूस कॉर्नर था, चॉकलेट कॉर्नर, सब कुछ बंद पड़ा है।